वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो बिगेस्ट वाला अपडेट आ चुका है। थोड़े दिन पहले मैं आपको वीडियो बना के बताया था कि शॉर्ट वीडियो के लिए अपडेट आ रखा, बहुत अच्छा, तो थोड़े दिन में रोल आउट हो जाएगा करके वीडियो बनाया था। तो वो वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन में या फिर लास्ट में एंड स्क्रीन में दिख जाएगा, तो वो भी देख लेना। पहले यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में लॉन्ग वीडियो कैसे ऐड करें वो मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि मैं आपको ऐड करके बताऊँगा। अभी मनोज डे के सर पे हो रखा है तो वो वीडियो ऑन करके पहले। तो गाइस मनोज डे सर का वीडियो मैं ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पर इस तरह से आपको भी ये बहुत दिनों के बाद करके ये टाइटल लगा रखे वो वाला वीडियो ऐड कर रखे हैं यहाँ पर। तो जैसे कि ये मैं ऑन करके बता दिया हूँ, तो ऐसे कैसे आप भी अपने चैनल पर वीडियो के नीचे ऐड कर सकते हो, उससे कि आपके व्यूज़ ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे और बाद में क्या हुआ वो भी कर सकते। पहले क्या उससे शॉर्ट वीडियो से वॉच टाइम उसमें प्लस में नहीं आते थे, बढ़ते नहीं थे, तो इसी अभी ये वाले इस तरह की आजमाएंगे तो आपके वॉच टाइम भी बढ़ेंगे और सभी होंगे। तो उसको ऐड करना कैसे हो, तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र में, खोल लेना है वो क्रोम ब्राउज़र में youtube.com खोल लेना है और आपको डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है, जैसे कि मेरा डेस्कटॉप साइट पे है। तो अभी आपको यहाँ से ये खुल गया, खुलने के बाद आपको ऊपर दिख रहा कि राइट साइड में आपको प्रोफाइल का आइकन दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक कर लेना है। ऊपर बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा हाँ यूट्यूब स्टूडियो, तो उस पर क्लिक कर लेना है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो उस पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है आपको, फिर लॉन्ग प्रेस कर रखने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू पेज दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोडिंग ले रहा है और इस बाद में यहाँ पर खुल जाएगा यूट्यूब YT स्टूडियो में खुल जाएगा। तो आपको पैसे कर लेना और आपको सामने आया होगा एप्लीकेशन ऊपर वाला ब्लू कलर का एक दिखा होगा, तो उसको नहीं क्लिक करना और नीचे क्रोम ब्राउजर में खुलने के लिए नीचे दिखा होगा तो उस पर क्लिक करना है। अब मैं क्या सेटिंग कर रखा हूँ इसलिए डायरेक्ट खुल चुका है, तो यहाँ पर बाद में थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ क्योंकि आपको अच्छे से दिखेगा। फिर यहाँ पर वीडियोस का ऑप्शन दिख रहा होगा तो इस पर क्लिक कर लेना है। आपको बाद में यहाँ पर क्लिक कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको जो शॉर्ट वीडियो जिसमें भी ऐड करना चाहते हो उसको ढूंढ लेना है यहाँ से। तो यहाँ से मैं ढूंढ लेता हूँ, यहाँ पर एक वीडियो है जो कि टेंजेंसरी करके, तो इस पर उसमें मैं उस वीडियो को ऐड करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप वीडियो अपलोड करते समय जैसा इंटरफेस आता होगा वैसा सेम टू सेम खुल रखा है, जैसा कि देख सकते हैं। यहाँ पर ये मैं टाइटल लगा रखा, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं लगा रखा, मैं सही अपलोड कर देता। शॉर्ट वीडियो बहुत कम आते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तीसरा नंबर पर, तो यहाँ पर क्लिक ऑप्शन नया ऐड देखेगा, तो यहाँ पर पेंसिल लाइव वाले आइकन पर क्लिक करना, यहाँ पे कि आपको एरो दिख रहा होगा वहाँ पर क्लिक कर देना और बाद में यहाँ पर आपको वीडियो सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिख जाएगा। तो मैं एक वीडियो कोई सा भी सिलेक्ट करके बता देता हूँ, जैसे कि यूट्यूब न्यू अपडेट वाला ये वो वाला वीडियो ऐड करके बता देता हूँ, तो उस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, तो यहाँ पर वो जो भी वीडियो ऐड किए होंगे उसका नाम जो टाइटल होगा वो दिख रहा होगा और यहाँ पर फिर आपको यहाँ से फिर आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको सेव कर देना है, यहाँ पर यहाँ से सेव कर देना है। यहाँ पर सारा कुछ दिख रहा है होगा आपको जो भी है गाइडलाइन का, वो जो मैं कल वीडियो बनाया था कल यहाँ पर से जो कि आपने देख लिया होगा। तो अभी यहाँ पर ऊपर से सेव कर देंगे, सेव करने के बाद यहाँ पर हो गया था, यहाँ से बैक चले जाएंगे और अब वीडियो को ओपन करके बता देता हूँ मैं आपको। तो गाइस ये वीडियो में हो चुका है, यहाँ पर वो जो वाला वीडियो अभी अपन ने ऐड करके बताया मैं, तो वो दिख गया है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट अभी आप भी ओपन कर सकते हो, इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वीडियो खुल जाएगा, ये चल गया जैसे कि देख रहे हैं। तो उससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि उससे आपके वॉच टाइम भी बढ़ेंगे, तो मोनेटाइज करवाने के लिए बहुत आसान होगा आपके लिए।